हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। बॉस बम्बू जल्ड एक 2000 अमेरिकी व्यंग्यात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे स्पाइक ली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक आधुनिक टेलीविजन मिनिस्ट्रेल शो है, जिसमें ब्लैक फेस मेकअप करने वाले काले अभिनेता की विशेषता है। और शो की सफलता के परिणाम स्वरूप हिंसक गिरावट आई है। इसमें डेमन वेंस, जेडा पीकेट, सेवियन ग्लोवर, टॉमी डेविडसन, माइकल रेपापोर्ट और मोस डेफ सहित कलाकारों की टुकड़ी शामिल है। बास निर्देशक स्पाइक ली द्वारा निर्लिखित स्पाइक ली द्वारा निर्मित जॉन क्लिक स्पाइक ली अभिनीत मैडम वेंस, सेवियन ग्लोवर, जेडा पिकेट स्मिथ, टॉमी डेविडसन, माइकल पेरापोर्ट, छायांकन एलेन कुरासी द्वारा संपादित, सेम पोलार्ड, संगीत दिया है टेरेस बेलचार्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तिथि 6 अक्टूबर 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 135 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 10 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 2.5 मिलियन। 2000 के पतन के दौरान फिल्म को न्यू लाइन सिनेमा द्वारा सीमित रिलीज दिया गया था और अगले वर्ष डीवीडी पर रिलीज किया गया था। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था और फिल्म आर्थिक रूप से असफल रही। बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। नंबर 1, अपने प्रारंभिक स्वागत के बावजूद बाद में ऐतिहासिक और समकालीन अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों दोनों में काले लोगों के रूढ़िवादी चरित्र पर अपने व्यंग्यपूर्ण रूप से बम्बू जल्ड ने पंथ फिल्म का दर्जा हासिल किया।
पियरे डेला क्रोइस्क, असली नाम पियरलेस डोथन, टेलीविजन नेटवर्क CNS के रोजगार में हवाई शिक्षित अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति हैं। काम पर वह अपने मालिक थॉमस डनविटी, एक चतुर अशिष्ट सफ़ेद आदमी से पीड़ा को सहन करता है। डनविटी ने केवल अफ्रीकी अमेरिकी वर्नाक्यूलस इंग्लिश AAVE और निगर शब्द का बार बार उपयोग करता है, बल्कि वह गर्व से यह घोषणा करता है कि वह डेला क्रोइस की तुलना से अधिक काला है और वह निगर का उपयोग कर सकता है क्योंकि उसकी शादी एक अश्वेत महिला से हुई है और उनके दो मित्र नस्ल के बच्चे हैं। डनविटी अक्सर श्रृंखला के लिए डेला क्रोइस की लिपियों को अस्वीकार करते हैं जो काले लोगों को सकारात्मक बुद्धिमान परिदृश्यों में चरित्र करते हैं। उन्हें काब्सी क्लोन के रूप में खारिज करते हैं। निकाल दिए जाने के बाद के माध्यम से अपने अनुबंध से बचने के लिए के प्रयास में डेला क्रोइस अपने निजी सहायक सलोन हॉपकिंस की मदद से एक मिनिस्ट्रेल शो विकसित करता है। मंटन द म्यू मिलेनियम मिनिस्ट्रेल शो में ब्लैक फेस में अश्वेत अभिनेता अत्यंत नस्लवादी चुटकुले और वाक्य और आक्रामक रूप से रूढ़िबद्ध CGI एनिमेट कार्टून शामिल है। डेला क्रोइस और हॉपकिंस शो में अभिनय करने के लिए दो गरीब बेघर सड़क कलाकारों मेगनेर और वो मेक की भर्ती करते हैं। तो गाइज, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय YouTube चैनल। हम अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। बॉस बम्बू जल्ड एक 2000 अमेरिकी व्यंग्यात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे स्पाइक ली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक आधुनिक टेलीविजन मिनिस्ट्रेल शो है जिसमें ब्लैक फेस मेकअप करने वाले काले अभिनेता की विशेषता है और शो की सफलता के परिणाम स्वरूप हिंसक गिरावट आई है। इसमें डेमन वेंस, जेडा पीकेट, सेवियन ग्लोवर, टॉमी डेविडसन, माइकल रेपापोर्ट और मोस डेफ सहित कलाकारों की टुकड़ी शामिल है। बास निर्देशक स्पाइक ली द्वारा निर्लिखित स्पाइक ली द्वारा निर्मित जॉन क्लिक स्पाइक ली अभिनीत मैडम वेंस, सेवियन ग्लोवर, जेडा पिकेट स्मिथ, टॉमी डेविडसन, माइकल पेरापोर्ट, छायांकन एलेन कुरासी द्वारा संपादित, सेम पोलार्ड, संगीत दिया है टेरेस
पेलचार्ड प्रोडक्शन कंपनी, 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तिथि 6 अक्टूबर 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 135 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 10 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 2.5 मिलियन। 2000 के पतन के दौरान फिल्म को न्यू लाइन सिनेमा द्वारा सीमित रिलीज दिया गया था और अगले वर्ष डीवीडी पर रिलीज किया गया था। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था और फिल्म आर्थिक रूप से असफल रही। बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। नंबर एक, अपने प्रारंभिक स्वागत के बावजूद बाद में ऐतिहासिक और समकालीन अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों दोनों में काले लोगों के रूढ़िवादी चरित्र पर अपने व्यंग्यपूर्ण रूप से बम्बूजर्ड ने पंथ फिल्म का दर्जा हासिल किया। पियरे डेला क्रोइस्क, असली नाम पियरलेस डोथन, टेलीविजन नेटवर्क CNS के रोजगार में हवाई शिक्षित अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति हैं। काम पर वह अपने मालिक थॉमस डनविटी, एक चतुर अशिष्ट सफेद आदमी से पीड़ा को सहन करता है। डनविटी ने केवल अफ्रीकी अमेरिकी वर्नाक्यूलर्स इंग्लिश AAVE और निगर शब्द का बार बार उपयोग करता है, बल्कि वह गर्व से यह घोषणा करता है कि वह डेला क्रोइस की तुलना से अधिक काला है और वह निगर का उपयोग कर सकता है क्योंकि उसकी शादी एक अश्वेत महिला से हुई है और उनके दो मित्र नस्ल के बच्चे हैं। डनविटी अक्सर श्रृंखला के लिए डेला क्रोइस की लिपियों को अस्वीकार करते हैं, जो काले लोगों को सकारात्मक बुद्धिमान परिदृश्यों में चरित्र करते हैं। उन्हें काब्सी क्लोन के रूप में खारिज करते हैं। निकाल दिए जाने के बाद के माध्यम से अपने अनुबंध से बचने के लिए के प्रयास में डेला क्रोइस अपने निजी सहायक सलोन हॉपकिंस की मदद से एक मिनिस्ट्रेल शो विकसित करता है। मंटन द म्यू मिलेनियम मिनिस्ट्रेल शो में ब्लैक फेस में अश्वेत अभिनेता अत्यंत नस्लवादी चुटकुले और वाक्य और आक्रामक रूप से रूढ़िबद्ध CGI एनिमेट कार्टून शामिल है। डेला क्रोइस और हॉपकिंस शो में अभिनय करने के लिए दो गरीब बेघर सड़क कलाकारों
मेघनेर और वो मेघ की भर्ती करते हैं। तो गाइस यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। बॉस बम्बू जल्ड एक 2000 अमेरिकी व्यंग्यात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे स्पाइक ली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक आधुनिक टेलीविजन मिनिस्ट्रेल शो है जिसमें ब्लैक फेस मेकअप करने वाले काले अभिनेता की विशेषता है और शो की सफलता के परिणाम स्वरूप हिंसक गिरावट आई है। इसमें डेमन वेंस, जेडा पीकेट, सेवियन ग्लोवर, टॉमी डेविडसन, माइकल रेपापोर्ट और मोस डेफ सहित कलाकारों की टुकड़ी शामिल है। बास निर्देशक स्पाइक ली द्वारा निर्लिखित स्पाइक ली द्वारा निर्मित जॉन क्लिक स्पाइक ली अभिनीत मैडम वेंस, सेवियन ग्लोवर, जेडा पिकेट स्मिथ, टॉमी डेविडसन, माइकल पेरापोर्ट, छायांकन एलेन कुरासी द्वारा संपादित, सेम पोलार्ड, संगीत दिया है टेरेस पेल्चर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तिथि 6 अक्टूबर 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 135 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट एस 10 मिलियन, बॉक्स ऑफिस एस 2.5 मिलियन। 2000 के पतन के दौरान फिल्म को न्यू लाइन सिनेमा द्वारा सीमित रिलीज दिया गया था और अगले वर्ष डीवीडी पर रिलीज किया गया था। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था और फिल्म आर्थिक रूप से असफल रही। बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। नंबर एक, अपने प्रारंभिक स्वागत के बावजूद बाद में ऐतिहासिक और समकालीन अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों दोनों में काले लोगों के रूढ़िवादी चरित्र पर अपने व्यंग्यपूर्ण रूप से बम्बू जड ने पंथ फिल्म का दर्जा हासिल किया। पियरे डेला क्रोइस असली नाम पियरलेस डोथन टेलीविजन नेटवर्क CNS के रोजगार में हवाई शिक्षित अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति हैं। काम पर वह अपने मालिक थॉमस डनविटी, एक चतुर अशिष्ट सफेद आदमी से पीड़ा को सहन करता है। डनविटी ने केवल अफ्रीकी अमेरिकी
वर्नाक्यूलर्स इंग्लिश AAVE और निगर शब्द का बार बार उपयोग करता है, बल्कि वह गर्व से यह घोषणा करता है कि वह डेला क्रोइस की तुलना से अधिक काला है और वह निगर का उपयोग कर सकता है क्योंकि उसकी शादी एक अश्वेत महिला से हुई है और उनके दो मित्र नस्ल के बच्चे हैं। डनविटी अक्सर श्रृंखला के लिए डेला क्रोइस की लिपियों को अस्वीकार करते हैं जो काले लोगों को सकारात्मक बुद्धिमान परिदृश्यों में चरित्र करते हैं। उन्हें काब्सी क्लोन के रूप में खारिज करते हैं। निकाल दिए जाने के बाद के माध्यम से अपने अनुबंध से बचने के लिए के प्रयास में डेला क्रोइस अपने निजी सहायक सलोन हॉपकिंस की मदद से एक मिनिस्ट्रेल शो विकसित करता है। मंटन द म्यू मिलेनियम मिनिस्ट्रेल शो में ब्लैक फेस में अश्वेत अभिनेता अत्यंत नस्लवादी चुटकुले और वाक्य और आक्रामक रूप से रूढ़िबद्ध CGI एनिमेट कार्टून शामिल है। डेला क्रोइस और हॉपकिंस शो में अभिनय करने के लिए दो गरीब बेघर सड़क कलाकारों मेगनेर और वो मेक की भर्ती करते हैं। तो गाइस यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। बॉस बम्बू जल्ड एक 2000 अमेरिकी व्यंग्यात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे स्पाइक ली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक आधुनिक टेलीविजन मिनिस्ट्रेल शो है जिसमें ब्लैक फेस मेकअप करने वाले काले अभिनेता की विशेषता है और शो की सफलता के परिणाम स्वरूप हिंसक गिरावट आई है। इसमें डेमन वेंस, जेडा पीकेट, सेवियन ग्लोवर, टॉमी डेविडसन, माइकल रेपापोर्ट और मोस डेफ सहित कलाकारों की टुकड़ी शामिल है। बास निर्देशक स्पाइक ली द्वारा निर्लिखित स्पाइक ली द्वारा निर्मित जॉन क्लिक स्पाइक ली अभिनीत मैडम वेंस, सेवियन ग्लोवर, जेडा पिकेट स्मिथ, टॉमी डेरी सन, माइकल पेरापोर्ट, छायांकन एलेन कुरासी द्वारा संपादित सेम पोलार्ड, संगीत दिया है टेरेस पेल्चर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तिथि 6 अक्टूबर 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 135 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 10 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 2.5 मिलियन। 2000 के
पतन के दौरान फिल्म को न्यू लाइन सिनेमा द्वारा सीमित रिलीज दिया गया था और अगले वर्ष डीवीडी पर रिलीज किया गया था। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था और फिल्म आर्थिक रूप से असफल रही। बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। नंबर एक, अपने प्रारंभिक स्वागत के बावजूद बाद में ऐतिहासिक और समकालीन अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों दोनों में काले लोगों के रूढ़िवादी चरित्र पर अपने व्यंग्यपूर्ण रूप से बम्बूजर्ड ने पंथ फिल्म का दर्जा हासिल किया। पियरे डेला क्रोइस, असली नाम पियरलेस डोथन, टेलीविजन नेटवर्क CNS के रोजगार में हवाई शिक्षित अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति हैं। काम पर वह अपने मालिक थॉमस डनविटी, एक चतुर अशिष्ट सफेद आदमी से पीड़ा को सहन करता है। डनविटी न केवल अफ्रीकी अमेरिकी वर्नाक्यूलर्स इंग्लिश AAVE और निगर शब्द का बार बार उपयोग करता है, बल्कि वह गर्व से यह घोषणा करता है कि वह डेला क्रोइस की तुलना से अधिक काला है और वह निगर का उपयोग कर सकता है क्योंकि उसकी शादी एक अश्वेत महिला से हुई है और उनके दो मित्र नस्ल के बच्चे हैं। डनविटी अक्सर श्रृंखला के लिए डेला क्रोइस की लिपियों को अस्वीकार करते हैं जो काले लोगों को सकारात्मक बुद्धिमान परिदृश्यों में चरित्र करते हैं। उन्हें काब्सी क्लोन के रूप में खारिज करते हैं। निकाल दिए जाने के बाद के माध्यम से अपने अनुबंध से बचने के लिए के प्रयास में डेला क्रोइस अपने निजी सहायक सलोन हॉपकिंस की मदद से एक मिनिस्ट्रेल शो विकसित करता है। मंटन द म्यू मिलेनियम मिनिस्ट्रेल शो में ब्लैक फेस में अश्वेत अभिनेता अत्यंत नस्लवादी चुटकुले और वाक्य और आक्रामक रूप से रूढ़िबद्ध CGI एनिमेट कार्टून शामिल है। डेला क्रोइस और हॉपकिंस शो में अभिनय करने के लिए दो गरीब बेघर सड़क कलाकारों मेगनेर और वो मेक की भर्ती करते हैं। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। बॉस बम्बूजल्ड एक 2000 अमेरिकी व्यंग्यात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे स्पाइक ली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक आधुनिक टेलीविजन मिनिस्ट्रेल शो है
जिसमें ब्लैक फेस मेकअप करने वाले काले अभिनेता की विशेषता है और शो की सफलता के परिणाम स्वरूप हिंसक गिरावट आई है। इसमें डेमन वेंस, जेडा पीकेट, सेवियन ग्लोवर, टॉमी डेविडसन, माइकल रेपापोर्ट और मोस डेफ सहित कलाकारों की टुकड़ी शामिल है। बास निर्देशक स्पाइक ली द्वारा निर्लिखित स्पाइक ली द्वारा निर्मित जॉन क्लिक स्पाइक ली अभिनीत मैडम वेंस, सेवियन ग्लोवर, जेडा पिकेट स्मिथ, टॉमी डेविडसन, माइकल पेरापोर्ट, छायांकन एलेन कुरासी द्वारा संपादित, सेम पोलार्ड, संगीत दिया है टेरेस पेल्चर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तिथि 6 अक्टूबर 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 135 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 10 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 2.5 मिलियन। 2000 के पतन के दौरान फिल्म को न्यू लाइन सिनेमा द्वारा सीमित रिलीज दिया गया था और अगले वर्ष डीवीडी पर रिलीज किया गया था। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था और फिल्म आर्थिक रूप से असफल रही, बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। नंबर 1, अपने प्रारंभिक स्वागत के बावजूद बाद में ऐतिहासिक और समकालीन अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों दोनों में काले लोगों के रूढ़िवादी चरित्र पर अपने व्यंग्यपूर्ण रूप से बम्बूजर्ड ने पंथ फिल्म का दर्जा हासिल किया। पियरे डेला क्रोइस असली नाम पियरलेस डोथन टेलीविजन नेटवर्क CNS के रोजगार में हवाईट शिक्षित अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति हैं। काम पर वह अपने मालिक थॉमस डनविटी, एक चतुर अशिष्ट सफेद आदमी से पीड़ा को सहन करता है। डनविटी ने केवल अफ्रीकी अमेरिकी वर्नाक्यूलर्स इंग्लिश AABE और निगर शब्द का बार बार उपयोग करता है, बल्कि वह गर्व से यह घोषणा करता है कि वह डेला क्रोइस की तुलना से अधिक काला है और वह निगर का उपयोग कर सकता है क्योंकि उसकी शादी एक अश्वेत महिला से हुई है और उनके दो मित्र नस्ल के बच्चे हैं। डनविटी अक्सर श्रृंखला के लिए डेला क्रोइस की लिपियों को
अस्वीकार करते हैं जो काले लोगों को सकारात्मक बुद्धिमान परिदृश्यों में चरित्र करते हैं उन्हें काब्सी क्लोन के रूप में खारिज करते हैं। निकाल दिए जाने के बाद के माध्यम से अपने अनुबंध से बचने के लिए के प्रयास में डेला क्रोएक्स अपने निजी सहायक सलोन हॉपकिंस की मदद से एक मिनिस्ट्रेल शो विकसित करता है। मंटन द म्यू मिलेनियम मिनिस्ट्रेल शो में ब्लैक फेस में अश्वेत अभिनेता अत्यंत नस्लवादी चुटकुले और वाक्य और आक्रामक रूप से रूढ़िबद्ध सीजीआई एनिमेट कार्टून शामिल है। डेला क्रोइंस और हॉपकिंस शो में अभिनय करने के लिए दो गरीब बेघर सड़क कलाकारों मेगनेर और वो मेक की भर्ती करते हैं। तो गाइज यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। बॉस बम्बू जल्ड एक 2000 अमेरिकी व्यंग्यात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे स्पाइक ली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक आधुनिक टेलीविजन मिनिस्ट्रेल शो है जिसमें ब्लैक फेस मेकअप करने वाले काले अभिनेता की विशेषता है और शो की सफलता के परिणाम स्वरूप हिंसक गिरावट आई है। इसमें डेमन वेंस, जेडा पीकेट, सेवियन ग्लोवर, टॉमी डेविडसन, माइकल रेपापोर्ट और मोस डेफ सहित कलाकारों की टुकड़ी शामिल है। बास निर्देशक स्पाइक ली द्वारा निर्लिखित स्पाइक ली द्वारा निर्मित जॉन क्लिक स्पाइक ली अभिनीत मैडम वेंस, सेवियन ग्लोवर, जेडा पिकेट स्मिथ, टॉमी डेविडसन, माइकल पेरापोर्ट, छायांकन एलेन कुरासी द्वारा संपादित, सेम पोलार्ड संगीत दिया है टेरेस पेल्चर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तिथि 6 अक्टूबर 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 135 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 10 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 2.5 मिलियन। 2000 के पतन के दौरान फिल्म को न्यू लाइन सिनेमा द्वारा सीमित रिलीज दिया गया था और अगले वर्ष डीवीडी पर रिलीज किया गया था। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था और फिल्म आर्थिक रूप से असफल रही। बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। नंबर 1 अपने प्रारंभिक स्वागत के बावजूद बाद में
ऐतिहासिक और समकालीन अमेरिकी फिल्म और टेलीविज़न प्रस्तुतियों दोनों में काले लोगों के रूढ़िवादी चरित्र पर अपने व्यंग्यपूर्ण रूप से बम्बूजर्ड ने पंथ फिल्म का दर्जा हासिल किया। पियरे डेला क्रोइस असली नाम पियरलेस डोथन टेलीविजन नेटवर्क CNS के रोजगार में हवाइड शिक्षित अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति हैं। काम पर वह अपने मालिक थॉमस डनविटी एक चतुर अशिष्ट सफ़ेद आदमी से पीड़ा को सहन करता है। डनविटी न केवल अफ्रीकी अमेरिकी वर्नाक्यूलर इंग्लिश AAVE और निगर शब्द का बार बार उपयोग करता है, बल्कि वह गर्व से यह घोषणा करता है कि वह डेला क्रोइस की तुलना से अधिक काला है और वह निगर का उपयोग कर सकता है क्योंकि उसकी शादी एक अश्वेत महिला से हुई है और उनके दो मित्र नस्ल के बच्चे हैं। डनविटी अक्सर श्रृंखला के लिए डेला क्रोइस की लिपियों को अस्वीकार करते हैं जो काले लोगों को सकारात्मक बुद्धिमान परिदृश्यों में चरित्र करते हैं। उन्हें काब्सी क्लोन के रूप में खारिज करते हैं। निकाल दिए जाने के बाद के माध्यम से अपने अनुबंध से बचने के लिए के प्रयास में डेला क्रोइस अपने निजी सहायक सलोन हॉपकिंस की मदद से एक मिनिस्ट्रेल शो विकसित करता है। मंटन द म्यू मिलेनियम मिनिस्ट्रेल शो में ब्लैक फेस में अश्वेत अभिनेता अत्यंत नस्लवादी चुटकुले और वाक्य और आक्रामक रूप से रूढ़िबद्ध CGI एनिमेट कार्टून शामिल है। डेला क्रोइस और हॉपकिंस शो में अभिनय करने के लिए दो गरीब बेघर सड़क कलाकारों मेगनेर और वो मेक की भर्ती करते हैं। तो गाइज यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय YouTube चैनल। हम अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। बॉस बम्बू जल्ड एक 2000 अमेरिकी व्यंग्यात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे स्पाइक ली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक आधुनिक टेलीविजन मिनिस्ट्रेल शो है जिसमें ब्लैक फेस मेकअप करने वाले काले अभिनेता की विशेषता है और शो की सफलता के परिणाम स्वरूप हिंसक गिरावट आई है। इसमें डेमन वेंस, जेडा पीकेट, सेवियन ग्लोवर, टॉमी डेविडसन, माइकल रेपापोर्ट और मोस डेफ सहित कलाकारों की टुकड़ी शामिल है। बस
निर्देशक स्पाइक ली द्वारा निर्लिखित स्पाइक ली द्वारा निर्मित जॉन क्लिक स्पाइक ली अभिनीत मैडम वेंस सेवियन ग्लोवर जेडा पिकेट स्मिथ टॉमी डेरीसन माइकल पेरापोर्ट छायांकन एलेन कुरासी द्वारा संपादित सेम पोलार्ड संगीत दिया है टेरेस बेलचार्ड प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा रिलीज की तिथि 6 अक्टूबर 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 135 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 10 मिलियन बॉक्स ऑफिस एस 2.5 मिलियन 2000 के पतन के दौरान फिल्म को न्यू लाइन सिनेमा द्वारा सीमित रिलीज दिया गया था और अगले वर्ष डीवीडी पर रिलीज किया गया था। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था और फिल्म आर्थिक रूप से असफल रही। बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। नंबर एक, अपने प्रारंभिक स्वागत के बावजूद बाद में ऐतिहासिक और समकालीन अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों दोनों में काले लोगों के रूढ़िवादी चरित्र पर अपने व्यंग्यपूर्ण रूप से बम्बूजर्ड ने पंथ फिल्म का दर्जा हासिल किया। पियरे डेला क्रोइस्क असली नाम पियरलेस डोथन टेलीविजन नेटवर्क CNS के रोजगार में हवाई शिक्षित अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति हैं। काम पर वह अपने मालिक थॉमस डनविटी एक चतुर अशिष्ट सफेद आदमी से पीड़ा को सहन करता है। डनविटी न केवल अफ्रीकी अमेरिकी वर्नाक्यूलस इंग्लिश AAVE और निगर शब्द का बार बार उपयोग करता है बल्कि वह गर्व से यह घोषणा करता है कि वह डेला क्रोइस की तुलना से अधिक काला है और वह निगर का उपयोग कर सकता है क्योंकि उसकी शादी एक अश्वेत महिला से हुई है और उनके दो मित्र नस्ल के बच्चे हैं। डनविटी अक्सर श्रृंखला के लिए डेला क्रोइस की लिपियों को अस्वीकार करते हैं जो काले लोगों को सकारात्मक बुद्धिमान परिदृश्यों में चरित्र करते हैं। उन्हें काब्सी क्लोन के रूप में खारिज करते हैं। निकाल दिए जाने के बाद के माध्यम से अपने अनुबंध से बचने के लिए के प्रयास में डेला क्रोइस अपने निजी सहायक सलोन हॉपकिंस की मदद से एक
मिनिस्ट्रेल्सो विकसित करता है। मंटन द म्यू मिलेनियम मिनिस्ट्रेल्सो में ब्लैक फेस में अश्वेत अभिनेता अत्यंत नस्लवादी चुटकुले और वाक्य और आक्रामक रूप से रूढ़िबद्ध सीजीआई एनिमेट कार्टून शामिल है। डेला क्रोइंस और हापकिस शो में अभिनय करने के लिए दो गरीब बेघर सड़क कलाकारों मेगनेर और वो मेक की भर्ती करते हैं। तो गाइज यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय YouTube चैनल। हम अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। बॉस बम्बू जल्ड एक 2000 अमेरिकी व्यंग्यात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे स्पाइक ली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक आधुनिक टेलीविजन मिनिस्ट्रेल शो है जिसमें ब्लैक फेस मेकअप करने वाले काले अभिनेता की विशेषता है और शो की सफलता के परिणाम स्वरूप हिंसक गिरावट आई है। इसमें डेमन वेंस, जेडा पीकेट, सेवियन ग्लोवर, टॉमी डेविडसन, माइकल रेपापोर्ट और मोस डेफ सहित कलाकारों की टुकड़ी शामिल है। बास निर्देशक स्पाइक ली द्वारा निर्लिखित स्पाइक ली द्वारा निर्मित जॉन क्लिक स्पाइक ली अभिनीत मैडम वेंस सेवियन ग्लोवर जेडा पिकेट स्मिथ टॉमी डेविडसन माइकल पेरापोर्ट छायांकन एलेन कुरासी द्वारा संपादित सेम पोलार्ड संगीत दिया है टेरेस पेल्चर्ड प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तिथि 6 अक्टूबर 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 135 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 10 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 2.5 मिलियन। 2000 के पतन के दौरान फिल्म को न्यू लाइन सिनेमा द्वारा सीमित रिलीज दिया गया था और अगले वर्ष डीवीडी पर रिलीज किया गया था। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था और फिल्म आर्थिक रूप से असफल रही। बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। नंबर एक। अपने प्रारंभिक स्वागत के बावजूद बाद में ऐतिहासिक और समकालीन अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों दोनों में काले लोगों के रूढ़िवादी चरित्र पर अपने व्यंग्यपूर्ण रूप से बम्बू जड ने पंथ फिल्म का दर्जा हासिल किया। पियरे डेला क्रोइस्क असली नाम पियरलेस डोथन
टेलीविजन नेटवर्क CNS के रोजगार में हवाई शिक्षित अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति हैं। काम पर वह अपने मालिक थॉमस डनविटी, एक चतुर अशिष्ट सफ़ेद आदमी से पीड़ा को सहन करता है। डनविटी ने केवल अफ्रीकी अमेरिकी वर्नाक्यूलस इंग्लिश AABE और निगर शब्द का बार बार उपयोग करता है, बल्कि वह गर्व से यह घोषणा करता है कि वह डेला क्रोइस की तुलना से अधिक काला है और वह निगर का उपयोग कर सकता है क्योंकि उसकी शादी एक अश्वेत महिला से हुई है और उनके दो मित्र नस्ल के बच्चे हैं। डनविटी अक्सर श्रृंखला के लिए डेला क्रोइस की लिपियों को अस्वीकार करते हैं जो काले लोगों को सकारात्मक बुद्धिमान परिदृश्यों में चरित्र करते हैं। उन्हें काब्सी क्लोन के रूप में खारिज करते हैं। निकाल दिए जाने के बाद के माध्यम से अपने अनुबंध से बचने के लिए के प्रयास में डेला क्रोइस अपने निजी सहायक सलोन हॉपकिंस की मदद से एक मिनिस्ट्रेल शो विकसित करता है। मंटन द म्यू मिलेनियम मिनिस्ट्रेल शो में ब्लैक फेस में अश्वेत अभिनेता अत्यंत नस्लवादी चुटकुले और वाक्य और आक्रामक रूप से रूढ़िबद्ध CGI एनिमेट कार्टून शामिल है। डेला क्रोइस और हॉपकिंस शो में अभिनय करने के लिए दो गरीब बेघर सड़क कलाकारों मेगनेर और वो मेक की भर्ती करते हैं। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। बॉस बम्बू जल्ड एक 2000 अमेरिकी व्यंग्यात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे स्पाइक ली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक आधुनिक टेलीविजन मिनिस्ट्रेल शो है जिसमें ब्लैक फेस मेकअप करने वाले काले अभिनेता की विशेषता है और शो की सफलता के परिणाम स्वरूप हिंसक गिरावट आई है। इसमें डेमन वेंस, जेडा पीकेट, सेवियन ग्लोवर, टॉमी डेविडसन, माइकल रेपापोर्ट और मोस डेफ सहित कलाकारों की टुकड़ी शामिल है। बास निर्देशक स्पाइक ली द्वारा निर्लिखित स्पाइक ली द्वारा निर्मित जॉन क्लिक स्पाइक ली अभिनीत मैडम वेंस, सेवियन ग्लोवर, जेडा पिकेट स्मिथ, टॉमी डेविडसन, माइकल पेरापोर्ट, छायांकन एलेन कुरासी द्वारा संपादित सेम पोलार्ड, संगीत दिया है टेरेस पेल्चर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर
द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तिथि 6 अक्टूबर 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 135 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 10 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 2.5 मिलियन। 2000 के पतन के दौरान फिल्म को न्यू लाइन सिनेमा द्वारा सीमित रिलीज दिया गया था और अगले वर्ष डीवीडी पर रिलीज किया गया था। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था और फिल्म आर्थिक रूप से असफल रही। बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। नंबर 1, अपने प्रारंभिक स्वागत के बावजूद बाद में ऐतिहासिक और समकालीन अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों दोनों में काले लोगों के रूढ़िवादी चरित्र पर अपने व्यंग्यपूर्ण रूप से बम्बूजर्ड ने पंथ फिल्म का दर्जा हासिल किया। पियरे डेला क्रोइस, असली नाम पियरलेस डोथन, टेलीविजन नेटवर्क CNS के रोजगार में हवाई शिक्षित अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति हैं। काम पर वह अपने मालिक थॉमस डनविटी, एक चतुर अशिष्ट सफेद आदमी से पीड़ा को सहन करता है। डनविटी न केवल अफ्रीकी अमेरिकी वर्नाक्यूलर्स इंग्लिश AAVE और निगर शब्द का बार बार उपयोग करता है, बल्कि वह गर्व से यह घोषणा करता है कि वह डेला क्रोइस की तुलना से अधिक काला है और वह निगर का उपयोग कर सकता है क्योंकि उसकी शादी एक अश्वेत महिला से हुई है और उनके दो मित्र नस्ल के बच्चे हैं। डनविटी अक्सर श्रृंखला के लिए डेला क्रोइस की लिपियों को अस्वीकार करते हैं जो काले लोगों को सकारात्मक बुद्धिमान परिदृश्यों में चरित्र करते हैं। उन्हें काब्सी क्लोन के रूप में खारिज करते हैं। निकाल दिए जाने के बाद के माध्यम से अपने अनुबंध से बचने के लिए के प्रयास में डेला क्रोइस अपने निजी सहायक सलोन हॉपकिंस की मदद से एक मिनिस्ट्रेल शो विकसित करता है। मंटन द म्यू मिलेनियम मिनिस्ट्रेल शो में ब्लैक फेस में अश्वेत अभिनेता अत्यंत नस्लवादी चुटकुले और वाक्य और आक्रामक रूप से रूढ़िबद्ध CGI एनिमेट कार्टून शामिल है। डेला क्रोइस और हॉपकिंस शो में अभिनय करने के लिए दो गरीब बेघर सड़क कलाकारों मेगनेर और वोमेक की भर्ती करते हैं।
तो गाइस यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, धन्यवाद। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। बॉस बम्बू जल्ड एक 2000 अमेरिकी व्यंग्यात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे स्पाइक ली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक आधुनिक टेलीविजन मिनिस्ट्रेल शो है जिसमें ब्लैक फेस मेकअप करने वाले काले अभिनेता की विशेषता है और शो की सफलता के परिणाम स्वरूप हिंसक गिरावट आई है। इसमें डेमन वेंस, जेडा पीकेट, सेवियन ग्लोवर, टॉमी डेविडसन, माइकल रेपापोर्ट और मोस डेफ सहित कलाकारों की टुकड़ी शामिल है। बास निर्देशक स्पाइक ली द्वारा निर्लिखित स्पाइक ली द्वारा निर्मित जॉन क्लिक स्पाइक ली अभिनीत मैडम वेंस, सेवियन ग्लोवर, जेडा पिकेट स्मिथ, टॉमी डेरी सन, माइकल पेरापोर्ट, छायांकन एलेन कुरासी द्वारा संपादित, सेम पोलार्ड, संगीत दिया है टेरेस पेल्चर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तिथि 6 अक्टूबर 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 135 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 10 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 2.5 मिलियन। 2000 के पतन के दौरान फिल्म को न्यू लाइन सिनेमा द्वारा सीमित रिलीज दिया गया था और अगले वर्ष डीवीडी पर रिलीज किया गया था। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था और फिल्म आर्थिक रूप से असफल रही। बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। नंबर एक, अपने प्रारंभिक स्वागत के बावजूद बाद में ऐतिहासिक और समकालीन अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों दोनों में काले लोगों के रूढ़िवादी चरित्र पर अपने व्यंग्यपूर्ण रूप से बम्बू जड ने पंथ फिल्म का दर्जा हासिल किया। पियरे डेला क्रोइस असली नाम पियरलेस डोथन टेलीविजन नेटवर्क CNS के रोजगार में हवाइड शिक्षित अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति हैं। काम पर वह अपने मालिक थॉमस डनविटी एक चतुर अशिष्ट सफेद आदमी से पीड़ा को सहन करता है। डनविटी ने केवल अफ्रीकी अमेरिकी वर्नाक्यूलर्स इंग्लिश AABE और निगर शब्द
शब्द का बार बार उपयोग करता है, बल्कि वह गर्व से यह घोषणा करता है कि वह डेला क्रोइस की तुलना से अधिक काला है और वह निगर का उपयोग कर सकता है क्योंकि उसकी शादी एक अश्वेत महिला से हुई है और उनके दो मित्र नस्ल के बच्चे हैं। डनवीटी अक्सर श्रृंखला के लिए डेला क्रोइस की लिपियों को अस्वीकार करते हैं जो काले लोगों को सकारात्मक बुद्धिमान परिदृश्यों में चरित्र करते हैं। उन्हें काब्सी क्लोन के रूप में खारिज करते हैं। निकाल दिए जाने के बाद के माध्यम से अपने अनुबंध से बचने के लिए के प्रयास में डेला क्रोइस अपने निजी सहायक सलोन हॉपकिंस की मदद से एक मिनिस्ट्रेल शो विकसित करता है। मंटन द म्यू मिलेनियम मिनिस्ट्रेल शो में ब्लैक फेस में अश्वेत अभिनेता अत्यंत नस्लवादी चुटकुले और वाक्य और आक्रामक रूप से रूढ़िबद्ध CGI एनिमेट कार्टून शामिल है। डेला क्रोइस और हॉपकिंस शो में अभिनय करने के लिए दो गरीब बेघर सड़क कलाकारों मेगनेर और वो मेक की भर्ती करते हैं। तो गाइस यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। बॉस बम्बू जल्ड एक 2000 अमेरिकी व्यंग्यात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे स्पाइक ली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक आधुनिक टेलीविजन मिनिस्ट्रेल शो है जिसमें ब्लैक फेस मेकअप करने वाले काले अभिनेता की विशेषता है और शो की सफलता के परिणाम स्वरूप हिंसक गिरावट आई है। इसमें डेमन वेंस, जेडा पीकेट, सेवियन ग्लोवर, टॉमी डेविडसन, माइकल रेपापोर्ट और मोस डेफ सहित कलाकारों की टुकड़ी शामिल है। बास निर्देशक स्पाइक ली द्वारा निर्लिखित स्पाइक ली द्वारा निर्मित जॉन क्लिक स्पाइक ली अभिनीत मैडम वेंस, सेवियन ग्लोवर, जेडा पिकेट स्मिथ, टॉमी डेविडसन, माइकल पेरापोर्ट, छायांकन एलेन कुरासी द्वारा संपादित, सेम पोलार्ड, संगीत दिया है टेरेस बेल्चर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तिथि 6 अक्टूबर 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 135 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 10 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 2.5 मिलियन। 2000 के पतन के दौरान फिल्म को न्यू लाइन सिनेमा द्वारा
सीमित रिलीज दिया गया था और अगले वर्ष डीवीडी पर रिलीज किया गया था। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था और फिल्म आर्थिक रूप से असफल रही। बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। नंबर एक, अपने प्रारंभिक स्वागत के बावजूद बाद में ऐतिहासिक और समकालीन अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों दोनों में काले लोगों के रूढ़िवादी चरित्र पर अपने व्यंग्यपूर्ण रूप से बम्बूजर्ड ने पंथ फिल्म का दर्जा हासिल किया। पियरे डेला क्रोइस असली नाम पियरलेस डोथन टेलीविजन नेटवर्क CNS के रोजगार में हवाईट शिक्षित अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति हैं। काम पर वह अपने मालिक थॉमस डनविटी एक चतुर अशिष्ट सफेद आदमी से पीड़ा को सहन करता है। डनविटी न केवल अफ्रीकी अमेरिकी वर्नाक्यूलर्स इंग्लिश AAVE और निगर शब्द का बार बार उपयोग करता है बल्कि वह गर्व से यह घोषणा करता है कि वह डेला क्रोइस की तुलना से अधिक काला है और वह निगर का उपयोग कर सकता है क्योंकि उसकी शादी एक अश्वेत महिला से हुई है और उनके दो मित्र नस्ल के बच्चे हैं। डनविटी अक्सर श्रृंखला के लिए डेला क्रोइस की लिपियों को अस्वीकार करते हैं जो काले लोगों को सकारात्मक बुद्धिमान परिदृश्यों में चरित्र करते हैं। उन्हें काब्सी क्लोन के रूप में खारिज करते हैं। निकाल दिए जाने के बाद के माध्यम से अपने अनुबंध से बचने के लिए के प्रयास में डेला क्रोइस अपने निजी सहायक सलोन हॉपकिंस की मदद से एक मिनिस्ट्रेल शो विकसित करता है। मंटन द म्यू मिलेनियम मिनिस्ट्रेल शो में ब्लैक फेस में अश्वेत अभिनेता अत्यंत नस्लवादी चुटकुले और वाक्य और आक्रामक रूप से रूढ़िबद्ध CGI एनिमेट कार्टून शामिल है। डेला क्रोइस और हॉपकिंस शो में अभिनय करने के लिए दो गरीब बेघर सड़क कलाकारों मेगनेर और वो मेक की भर्ती करते हैं। तो गाइज यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय YouTube चैनल। हम अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। बॉस बम्बू जल्ड एक 2000 अमेरिकी व्यंग्यात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे स्पाइक ली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक आधुनिक टेलीविजन मिनिस्ट्रेल शो है जिसमें ब्लैक फेस मेकअप करने वाले काले अभिनेता की विशेषता है।
और 100 की सफलता के परिणाम स्वरूप हिंसक गिरावट आई है। इसमें डेमन वेंस, जेडा पीकेट, सेवियन ग्लोवर, टामी डेविडसन, माइकल रेपापोर्ट और मोस डेफ सहित कलाकारों की टुकड़ी शामिल है। बास निर्देशक स्पाइक ली द्वारा निर्लिखित स्पाइक ली द्वारा निर्मित जॉन क्लिक स्पाइक ली अभिनीत मैडम वेंस, सेवियन ग्लोवर, जेडा पिकेट स्मिथ, टामी डेरीसन, माइकल पेरापोर्ट। छायांकन एलेन कुरासी द्वारा संपादित, सेम पोलार्ड। संगीत दिया है टेरेस पेल्चर्ड। प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तिथि 6 अक्टूबर 2000। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 135 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 10 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 2.5 मिलियन। 2000 के पतन के दौरान फिल्म को न्यू लाइन सिनेमा द्वारा सीमित रिलीज दिया गया था और अगले वर्ष डीवीडी पर रिलीज किया गया था। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था और फिल्म आर्थिक रूप से असफल रही। बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। नंबर 1। अपने प्रारंभिक स्वागत के बावजूद बाद में ऐतिहासिक और समकालीन अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों दोनों में काले लोगों के रूढ़िवादी चरित्र पर अपने व्यंग्यपूर्ण रूप से बम्बूजर्ड ने पंत फिल्म का दर्जा हासिल किया। पियरे डेला क्रोइस्क, असली नाम पियरलेस डोथन, टेलीविजन नेटवर्क CNS के रोजगार में हवाई शिक्षित अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति हैं। काम पर वह अपने मालिक थॉमस डनविटी, एक चतुर अशिष्ट सफेद आदमी से पीड़ा को सहन करता है। डनविटी न केवल अफ्रीकी अमेरिकी वर्नाक्यूलर्स इंग्लिश AAVE और निगर शब्द का बार बार उपयोग करता है, बल्कि वह गर्व से यह घोषणा करता है कि वह डेला क्रोइस की तुलना से अधिक काला है और वह निगर का उपयोग कर सकता है क्योंकि उसकी शादी एक अश्वेत महिला से हुई है और उनके दो मित्र नस्ल के बच्चे हैं। डनविटी अक्सर श्रृंखला के लिए डेला क्रोइस की लिपियों को अस्वीकार करते हैं, जो काले लोगों को सकारात्मक, बुद्धिमान
परिदृश्यों में चरित्र करते हैं। उन्हें काब्सी क्लोन के रूप में खारिज करते हैं। निकाल दिए जाने के बाद के माध्यम से अपने अनुबंध से बचने के लिए के प्रयास में डेला क्रोएक्स अपने निजी सहायक सलोन हॉपकिंस की मदद से एक मिनिस्ट्रेल शो विकसित करता है। मंटन द म्यू मिलेनियम मिनिस्ट्रेल शो में ब्लैक फेस में अश्वेत अभिनेता अत्यंत नस्लवादी चुटकुले और वाक्य और आक्रामक रूप से रूढ़िबद्ध सीजीआई एनिमेट कार्टून शामिल है। डेला क्रोएक्स और हॉपकिंस शो में अभिनय करने के लिए दो गरीब बेघर सड़क कलाकारों मेगनेर और वो मेक की भर्ती करते हैं। तो गाइज यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय YouTube चैनल। हम अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। बॉस बम्बू जल्ड एक 2000 अमेरिकी व्यंग्यात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे स्पाइक ली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक आधुनिक टेलीविजन मिनिस्ट्रेल शो है जिसमें ब्लैक फेस मेकअप करने वाले काले अभिनेता की विशेषता है और शो की सफलता के परिणाम स्वरूप हिंसक गिरावट आई है। इसमें डेमन वेंस, जेडा पीकेट, सेवियन ग्लोवर, टॉमी डेविडसन, माइकल रेपापोर्ट और मोस डेफ सहित कलाकारों की टुकड़ी शामिल है। बास निर्देशक स्पाइक ली द्वारा निर्लिखित स्पाइक ली द्वारा निर्मित जॉन क्लिक स्पाइक ली अभिनीत मैडम वेंस, सेवियन ग्लोवर, जेडा पिकेट स्मिथ, टॉमी डेविडसन, माइकल पेरापोर्ट, छायांकन एलेन कुरासी द्वारा संपादित सेम पोलार्ड, संगीत दिया है टेरेस बेलचार्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तिथि 6 अक्टूबर 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 135 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 10 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 2.5 मिलियन। 2000 के पतन के दौरान फिल्म को न्यू लाइन सिनेमा द्वारा सीमित रिलीज दिया गया था और अगले वर्ष डीवीडी पर रिलीज किया गया था। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था और फिल्म आर्थिक रूप से असफल रही। बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। नंबर एक अपने प्रारंभिक स्वागत के बावजूद बाद में ऐतिहासिक और समकालीन अमेरिकी फिल्म
और टेलीविजन प्रस्तुतियों दोनों में काले लोगों के रूढ़िवादी चरित्र पर अपने व्यंग्यपूर्ण रूप से बम्बूजर्ड ने पंथ फिल्म का दर्जा हासिल किया। पियरे डेला क्रोइस्क असली नाम पियरलेस डोथन टेलीविजन नेटवर्क CNS के रोजगार में हवाई शिक्षित अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति हैं। काम पर वह अपने मालिक थॉमस डनविटी एक चतुर अशिष्ट सफेद आदमी से पीड़ा को सहन करता है। डनविटी ने केवल अफ्रीकी अमेरिकी वर्नाक्यूलस इंग्लिश AAVE और निगर शब्द का बार बार उपयोग करता है, बल्कि वह गर्व से यह घोषणा करता है कि वह डेला क्रोइस की तुलना से अधिक काला है और वह निगर का उपयोग कर सकता है क्योंकि उसकी शादी एक अश्वेत महिला से हुई है और उनके दो मित्र नस्ल के बच्चे हैं। डनविटी अक्सर श्रृंखला के लिए डेला क्रोइस की लिपियों को अस्वीकार करते हैं जो काले लोगों को सकारात्मक बुद्धिमान परिदृश्यों में चरित्र करते हैं। उन्हें काब्सी क्लोन के रूप में खारिज करते हैं। निकाल दिए जाने के बाद के माध्यम से अपने अनुबंध से बचने के लिए के प्रयास में डेला क्रोइस अपने निजी सहायक सलोन हॉपकिंस की मदद से एक मिनिस्ट्रेल शो विकसित करता है। मंटन द म्यू मिलेनियम मिनिस्ट्रेल शो में ब्लैक फेस में अश्वेत अभिनेता अत्यंत नस्लवादी चुटकुले और वाक्य और आक्रामक रूप से रूढ़िबद्ध CGI एनिमेट कार्टून शामिल है। डेला क्रोइस और हॉपकिंस शो में अभिनय करने के लिए दो गरीब बेघर सड़क कलाकारों मेगनेर और वो मेक की भर्ती करते हैं। तो गाइज यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय YouTube चैनल। हम अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। बॉस बम्बू जल्ड एक 2000 अमेरिकी व्यंग्यात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे स्पाइक ली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक आधुनिक टेलीविजन मिनिस्ट्रेल शो है जिसमें ब्लैक फेस मेकअप करने वाले काले अभिनेता की विशेषता है और शो की सफलता के परिणाम स्वरूप हिंसक गिरावट आई है। इसमें डेमन वेंस, जेडा पीकेट, सेवियन ग्लोवर, टॉमी डेविडसन, माइकल रेपापोर्ट और मोस डेफ सहित कलाकारों की टुकड़ी शामिल है। बास निर्देशक स्पाइक ली द्वारा निर्लिखित स्पाइक ली द्वारा निर्मित जॉन
क्लिक, स्पाई ली, अभिनीत, मैडम वेंस, सेवियन ग्लोवर, जेडा पिकेट स्मिथ, टॉमी डेरी सन, माइकल पेरापोर्ट, छायांकन एलेन कुरासी द्वारा संपादित, सेम पोलार्ड, संगीत दिया है टेरेस पेल्चर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित, न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तिथि 6 अक्टूबर 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 135 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 10 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 2.5 मिलियन। 2000 के पतन के दौरान फिल्म को न्यू लाइन सिनेमा द्वारा सीमित रिलीज दिया गया था और अगले वर्ष डीवीडी पर रिलीज किया गया था। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था और फिल्म आर्थिक रूप से असफल रही। बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। नंबर 1, अपने प्रारंभिक स्वागत के बावजूद बाद में ऐतिहासिक और समकालीन अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों दोनों में काले लोगों के रूढ़िवादी चरित्र पर अपने व्यंग्यपूर्ण रूप से बम्बूजर्ड ने पंथ फिल्म का दर्जा हासिल किया। पियरे डेला क्रोइस्क, असली नाम पियरलेस डोथन, टेलीविजन नेटवर्क CNS के रोजगार में हवाई शिक्षित अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति हैं। काम पर वह अपने मालिक थॉमस डनविटी, एक चतुर अशिष्ट सफेद आदमी से पीड़ा को सहन करता है। डनविटी ने केवल अफ्रीकी अमेरिकी वर्नाक्यूलर्स इंग्लिश AAVE और निगर शब्द का बार बार उपयोग करता है, बल्कि वह गर्व से यह घोषणा करता है कि वह डेला क्रोइस की तुलना से अधिक काला है और वह निगर का उपयोग कर सकता है क्योंकि उसकी शादी एक अश्वेत महिला से हुई है और उनके दो मित्र नस्ल के बच्चे हैं। डनविटी अक्सर श्रृंखला के लिए डेला क्रोइस की लिपियों को अस्वीकार करते हैं, जो काले लोगों को सकारात्मक बुद्धिमान परिदृश्यों में चरित्र करते हैं। उन्हें काब्सी क्लोन के रूप में खारिज करते हैं। निकाल दिए जाने के बाद के माध्यम से अपने अनुबंध से बचने के लिए के प्रयास में डेला क्रोइस अपने निजी सहायक सलोन हॉपकिंस की मदद से एक मिनिस्ट्रेल शो विकसित करता है। मंटन द म्यू मिलेनियम मिनिस्ट्रेल शो में ब्लैक फेस में अश्वेत अभिनेता
अत्यंत नस्लवादी चुटकुले और वाक्य और आक्रामक रूप से रूढ़िबद्ध सीजीआई एनिमेट कार्टून शामिल है। डेला क्रोइंस और हापकिस शो में अभिनय करने के लिए दो गरीब बेघर सड़क कलाकारों मेगनेर और वो मेक की भर्ती करते हैं। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। बॉस बम्बू जल्ड एक 2000 अमेरिकी व्यंग्यात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे स्पाइक ली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। एक आधुनिक टेलीविजन मिनिस्ट्रेल शो है, जिसमें ब्लैक फेस मेकअप करने वाले काले अभिनेता की विशेषता है और शो की सफलता के परिणाम स्वरूप हिंसक गिरावट आई है। इसमें डेमन वेंस, जेडा पीकेट, सेवियन ग्लोवर, टॉमी डेविडसन, माइकल रेपापोर्ट और मोस डेफ सहित कलाकारों की टुकड़ी शामिल है। बास निर्देशक स्पाइक ली द्वारा निर्लिखित स्पाइक ली द्वारा निर्मित जॉन क्लिक स्पाइक ली अभिनीत मैडम वेंस, सेवियन ग्लोवर, जेडा पिकेट स्मिथ, टॉमी डेविडसन, माइकल पेरापोर्ट, छायांकन एलेन कुरासी द्वारा संपादित सेम पोलार्ड, संगीत दिया है टेरेस पेल्चर्ड, प्रोडक्शन कंपनी 40 एकड़ और एक खच्चर द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज की तिथि 6 अक्टूबर 2000 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 135 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट एस 10 मिलियन, बॉक्स ऑफिस एस 2.5 मिलियन। 2000 के पतन के दौरान फिल्म को न्यू लाइन सिनेमा द्वारा सीमित रिलीज दिया गया था और अगले वर्ष डीवीडी पर रिलीज किया गया था। आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था और फिल्म आर्थिक रूप से असफल रही। बॉक्स ऑफिस पर बम बन गई। नंबर एक, अपने प्रारंभिक स्वागत के बावजूद बाद में ऐतिहासिक और समकालीन अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों दोनों में काले लोगों के रूढ़िवादी चरित्र पर अपने व्यंग्यपूर्ण रूप से बम्बू जड ने पंथ फिल्म का दर्जा हासिल किया। पियरे डेला क्रोइस, असली नाम पियरलेस डोथन, टेलीविजन नेटवर्क CNS के रोजगार में हवाई शिक्षित अफ्रीकी अमेरिकी
व्यक्ति हैं, काम पर वह अपने मालिक थॉमस डनविटी, एक चतुर अशिष्ट सफेद आदमी से पीड़ा को सहन करता है। डनविटी ने केवल अफ्रीकी अमेरिकी वर्नाक्यूलर्स इंग्लिश AABE और निगर शब्द का बार बार उपयोग करता है, बल्कि वह गर्व से यह घोषणा करता है कि वह डेला क्रोइस की तुलना से अधिक काला है और वह निगर का उपयोग कर सकता है क्योंकि उसकी शादी एक अश्वेत महिला से हुई है और उनके दो मित्र नस्ल के बच्चे हैं। डनविटी अक्सर श्रृंखला के लिए डेला क्रोइस की लिपियों को अस्वीकार करते हैं जो काले लोगों को सकारात्मक बुद्धिमान परिदृश्यों में चरित्र करते हैं। उन्हें काब्सी क्लोन के रूप में खारिज करते हैं। निकाल दिए जाने के बाद के माध्यम से अपने अनुबंध से बचने के लिए के प्रयास में डेला क्रोइस अपने निजी सहायक सलोन हॉपकिंस की मदद से एक मिनिस्ट्रेल शो विकसित करता है। मंटन द म्यू मिलेनियम मिनिस्ट्रेल शो में ब्लैक फेस में अश्वेत अभिनेता अत्यंत नस्लवादी चुटकुले और वाक्य और आक्रामक रूप से रूढ़िबद्ध CGI एनिमेट कार्टून शामिल है। डेला क्रोइस और हॉपकिंस शो में अभिनय करने के लिए दो गरीब बेघर सड़क कलाकारों मेगनेर और वो मेक की भर्ती करते हैं। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।